जी कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे राम राम, जब राम राम तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से मीट करता है। आज मैं धूप में बैठा था एंड फाइनली हमने ठंडे पानी से नहाना भी स्टार्ट कर। खैर बात करते हैं, आज हम लोग आपको बताने वाले हैं टॉप अपनी 5 to 10 कार्स जो फेसलिफ्ट आने वाली है 2024 में। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस भी देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर लिख के बताएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस 100% लेके आता हूँ। इन वीडियो से फायदा क्या रहता है कि जितने भी अपने कस्टमर्स हैं ना, उन लोगों को ये थोड़ी हेल्प हो जाती है कि इनकेस अगर वो लेने का प्लान कर रहे हो तो वो लोग थोड़े दिन और रुक जाते हैं हमारे इन वीडियोस के थ्रू। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आएंगी, इस वीडियो पर रिस्पांस अच्छा आ गया, तो मैं 100% एक वीक में ऐसी वीडियो जरूर बनाया करूंगा जिसमें या तो मैं आपको ऐसी गाड़ियों के बारे में बता रहा हूं जो नहीं खरीदनी चाहिए 2024 में, या फिर मैं आपको ऐसी गाड़ियों के बारे में बता रहा हूं जिन्हें आपको खरीदनी चाहिए 2024 में फेसलिफ्ट आने वाली। ठीक है, एंड गाइस वीडियो स्टार्ट, उससे पहले मैं पूछूंगा ऑटोमैक्स के बारे में। तो ऑटोमैक्स एक ऐसी ब्रांड है जो आपकी गाड़ी की हर रिक्वायरमेंट पूरी करती है, फ्रॉम LEDs टू फ्रॉम हॉर्न टू फ्रॉम स्विच, आपकी गाड़ी के वाइपर्स, आपकी गाड़ी के चार्जर्स, आपकी गाड़ी के डैम्पिंग कपलर से लेकर सारी की सारी चीजें जो है ऑटोमैक्स के पास होती है। खरीदना भी बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग सिंपली Amazon से खरीद सकते हो, आप लोग सिंपली इनके डायरेक्ट अपना ऑटोमैक्स का पेज से खरीद सकते हो और साथ साथ मॉडिफिकेशन वाला से भी कर सकते हैं। एंड अब ऑटोमैक्स जो है वो आप लोगों को हर एक डीलर जो है लोकल आप दुकान वाले उनके पास भी मिलने स्टार्ट। तो गाइस खरीदना आप लोगों के ऊपर है, बाकी ट्रस्ट आप लोग मेरा कर सकते हो बहुत। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वो टॉप 5 से 6 गाड़ी जो 2024 में लॉन्च होंगी। तो सबसे पहली गाड़ी जो हमारी लिस्ट में है वो है महिंद्रा की XUV300 फेसलिफ्ट, जिसको हम लोग XUV300 फेसलिफ्ट बोल रहे हैं। ये गाड़ी कई दिनों से टेस्ट होती दिख रही है हमें इंडियन सड़कों पे, एंड फाइनली इसकी जो लॉन्च डेट है वो भी बहुत करीब आ गई है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो इस गाड़ी में पहले बहुत सी खामियां थी जिसकी वजह से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी जितने इसके कंपेटिटर्स जैसे कि ब्रेजा एंड साथ ही साथ हुंडई वेन्यू, किया सोनेट, ये सब परफॉर्म कर रहे थे। उन सब में सबसे बड़ी खामियां एक ये थी कि इसमें बूट स्पेस बहुत कम थी, बट कंपनी ने पूरा काम करके इसके बूट स्पेस जो है उसको काफ़ी इंक्रीज कर दिया। एंड यहाँ पर अगर आपको एक चेंज मैं बताऊँ तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहले जो अपना बूट होता था उस पर ही आप लोगों को नंबर प्लेट देखने को मिलती थी, बट अब नंबर प्लेट जो है उसको नीचे कर दिया गया है, तो ये दिक्कत भी यहाँ पे सॉल्व होगी। इसी के साथ साथ इस गाड़ी की जो हाइट है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था XUV300 फेसलिफ्ट थोड़ी सी जो है नीची दबी हुई लगती थी कंपेयर टू अदर इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो। तो यहाँ पे आप लोगों को लेंथ तो अंडर 4 meter ही देखने को मिलेगी, बट हाइट जो है उसको बढ़ा दिया गया, जिससे वैसे 2 यहाँ पे फायदे हो चुके हैं। एक ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ चुका है गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा, एंड दूसरा जो SUV टाइप लुक थोड़ा मिसिंग था वो भी अब हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग एक्साइटेड कौन सी गाड़ी के लिए हैं लिख के बताना। एंड ये थी हमारी पहली गाड़ी जो अपकमिंग कार है 2024 में इंडियन लोगों के लिए। अब दूसरी गाड़ी भी जो है यहाँ पे आप लोगों को महिंद्रा थार देखने को मिलेगी, एंड महिंद्रा की तरफ से ही पेशकश है। मतलब महिंद्रा ने ना इतनी सारी झड़ियाँ लगा दी हैं गाड़ी लॉन्चिंग की, 2024 में आपको बहुत सारी गाड़ियाँ इनकी तरफ से ही देखने को मिलेंगी। बात करते हैं हम यहाँ पे आप लोगों को 2 वेरियंट्स दिख रहे हैं, जिसमें एक बेस मॉडल है हमारी महिंद्रा थार 5-door का, एंड दूसरा वाला जो है वो टॉप एंड वेरियंट है। इस गाड़ी में आपको 2 वर्जन देखने को मिलेंगे अब की बार भी, थार RWD जिसको हम 4x2 के नाम से जानते हैं, एंड थार 4x4 जो ऑलरेडी आती है, तो वो इसमें आपको देखने को मिलने वाली हैं अब की बार दोनों। बात करें इसकी लॉन्चिंग की तो ये गाड़ी जो है कुछ सोर्सेज बताते हैं कि विदिन यानी कि मार्च के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 15 अगस्त को लॉन्च होगी। बट जहां तक मेरा मानना है गाड़ी का प्रोडक्शन रेडी मॉडल हम लोगों ने देख लिया है, कई बार जो है इसके इंटीरियर तक की फुल्ली एकदम तैयार इमेजेस भी मिली हैं, एंड अब जितने भी लीक्स आ रहे हैं उसमें ये चीज़ तो 100% कन्फर्म हो जाती है कि गाड़ी में कुछ और नए चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि आए दिन हम लोगों को कुछ ना कुछ नई एडिशन देखने को मिलती है, बट अब जितने भी हम लोगों ने इसके लीक्स स्पॉट करे हैं उन सब में सिमिलैरिटीज़ हैं एंड कुछ चेंजेस नहीं करे, तो बहुत ही ये स्टेटमेंट पावरफुल हो सकता है कि ये जो गाड़ी है विद इन 1-1.5 महीने लॉन्च कर दी जाए। प्राइस ब्रैकेट थोड़ा हाई जाएगा क्योंकि 4 meter से लंबी गाड़ी है, बट देन अगेन महिंद्रा के जो प्राइसिंग फैक्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिलाने वाले होते हैं, तो इसका हम वेट करेंगे। इस गाड़ी का नाम थार अर्माडा रहेगा। तो जब बात SUVs की हो एंड बात ऊंची गाड़ियों की हो तो टाटा पीछे कैसे रह सकती है। एंड गाइस अब की बार इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ आने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यूजुअली देखा है कि जो लग्जरी ब्रांड्स होती हैं वो ही कूपे गाड़ियाँ निकालती हैं, बट अब की बार टाटा ने सभी लोगों का जिनको कूपे लेनी थी SUV स्टाइल में एंड कम प्राइस में उनका सपना पूरा कर दिया है। एक चीज़ और, अभी तक हम ये सोच रहे थे कि टाटा कर्व जो आएगी वो सिर्फ आप लोगों को EV में देखने को मिलेगी, बट इसमें डीजल इंजन पेट्रोल इंजन कन्फर्म कर दिया है कंपनी ने अपनी तरफ से, एंड प्रोडक्शन रेडी मॉडल जो है आप लोगों के सामने दिखने लग रहा है। कूपे में आपको बताऊं बेसिकली क्या होता है, कूपे एक एस टाइप की गाड़ी होती है, यानी कि एक नी सेडान जो होती है उसका उसको ऊंचा बना के थोड़ा सा SUV टाइप लुक दे दिया जाता है, सेडान वाली फीलिंग भी आती है एंड SUV भी आती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस,
कूपे जो गाड़ियां हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है देखने में, एंड सेम जो होगा टाटा कर्व भी आप लोगों को कहीं ना कहीं लैम्बोर्गिनी उरस जैसी देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो टाटा की जो प्राइसिंग है थोड़ी सी हायर साइड पर रहती है, एंड चूंकि ये गाड़ी जो है ये मेरे हिसाब से 4 मीटर से लंबी जा रही है तो इसकी जो प्राइसिंग है आप लोगों को 12 लाख से स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। अगर कम प्राइसिंग में आ जाती है तो विद इन नो टाइम ये हिट हो जाएगी। बट जो भी है, लॉन्चिंग की बात बताएं तो अगेन ये जो गाड़ी है महिंद्रा थार 5 डोर के आसपास लॉन्च होगी। कंपटीशन नहीं है दोनों गाड़ियों में, बट फिर भी कंपनी यूजुअली यही करते हैं कि जब दूसरी कंपनी लॉन्च करते हैं वो उस टाइम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ताकि थोड़ा सा जो मार्केट है वो हिले। तो टाटा कर्व अपनी इस पेशकश में 3rd गाड़ी है जो 2024 में आप लोगों को देखने को मिलने वाली। तो शायद से आप लोग SUV देख देख के बोर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट अपनी पेशकश है वो है हमारी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट फेसलिफ्ट 2024। देखिए गाइस, मारुति जो है अभी तक बहुत बदनाम थी अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके, बट इनके इंजन जो है वो और ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। तो यहाँ पे आपकी बार में आपको 2 न्यूज़ दे देता हूँ कि जो नई स्विफ्ट फेसलिफ्ट आएगी उसमें 6 एयरबैग्स के साथ साथ कई सारे ऑप्शंस और जैसे कि एडास वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, जिससे इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी तो नहीं बोल सकते बट हाँ सेफ्टी रेटिंग जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और इंजन की मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि मारुति के इंजन के साथ कभी कंप्रोमाइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो इस बार भी कंपनी ने अपनी उसी नींव पर घर बनाया है। यहाँ पर आपकी बार आपको 2 से 3 इंजन देखने को मिलेंगे जिसमें टर्बो इंजन भी देखने को मिलने वाला है 3 सिलेंडर में, एंड साथ ही साथ एक हाइब्रिड वेरिएंट भी आने वाला है जो आप लोगों को लगभग 35 किलोमीटर के आसपास माइलेज दे सकता है एज एक्सपेक्टेड। एंड एज हम बोले कि कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग एक हाइब्रिड वेरिएंट भी निकालेंगे, तो इंडियन भाइयों के लिए तो बहुत खुशखबरी होने ही वाली है। एंड उसी के साथ साथ इसमें आप लोगों को अपना जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वो भी देखने को मिलेगा। अब गौर ये करा जाता है कि जो NA इंजन होगा यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन होगा वो भी 3 सिलेंडर में आएगा क्या? यहाँ पर थोड़ा सा कमी हो सकती है अगर 3 सिलेंडर में आता है, अगर फाइन ट्यून्ड इंजन नहीं हुआ तो। खैर बात करें इसकी लॉन्चिंग की, तो ये गाड़ी जो है अभी थोड़े दिन पहले ही टेस्ट होनी स्टार्ट हुई है इंडियन सड़कों पर, तो आप लोग कम से कम 7 से 8 महीने मान सकते हैं इसकी लॉन्चिंग होने में। प्राइसिंग की बात करें तो एग्जिस्टिंग मॉडल जो है उसी के आसपास प्राइस रखा जाएगा, बट जो न्यू मॉडल्स होंगे उनका प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो गाइज अगली अगेन आ जाती है हमारी मारुति की ही गाड़ी। अब मारुति की गाड़ी से मतलब यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको टोयोटा की गाड़ी क्यों दिखाने लग रहा हूं, तो टोयोटा और मारुति के गठबंधन के बारे में तो आपको पता ही होगा, तू मेरी गाड़ी ले ले मैं तेरी गाड़ी ले लेता हूं, इस तरीके से चलता है। खैर सामने जो आपको दिखने लग रही है टोयोटा की वेलोर गाड़ी है, एंड गाइस मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये ही गाड़ी जो है उम्मीद लगाई जा रही है, एंड रिसोर्सेज से पता चल रहा है कि ये गाड़ी को अब की बार नेम चेंज करके जैसे हम लोग बलिनो को ग्लांजा देखते हैं, ग्लांजा को बलिनो देखते हैं, उसी तरीके से इस गाड़ी को वेलोर नाम से ही लॉन्च करा जाएगा अंडर टोयोटा। बट अगर मारुति के पास आती है तो शायद इस गाड़ी को एर्टिगा नाम से जाना जा सकता है। अब एर्टिगा की मैं बात करूँ तो गाड़ी बेहद ही अच्छी है, बट अब वो डिज़ाइन अपग्रेड मांगती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड मांगती है, क्योंकि दूसरी सेगमेंट में जो गाड़ियाँ आने लग रही है जैसे कि किया कारेंस, हुंडई अल्काज़ार, उनमें फीचर्स भर भर के दे रखें जहाँ पे एर्टिगा कहीं ना कहीं मिस आउट करती है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग एर्टिगा है वो टैक्सी वालों के लिए रख दी जाएगी जैसे कि डिज़ायर और डिज़ायर टूर नाम से अब की बार जो गाड़ी आप लोगों ने देखी होगी, एंड ये वाली जो नई एर्टिगा आएगी ये फैमिली के लिए यानी कि प्रीमियम क्लास के लिए रखी जाएगी। मेरे हिसाब से इस गाड़ी को बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च करा जा सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो लिख के बताना। ये थी हमारी 5वीं गाड़ी आज की टॉप SUVs में जो लॉन्च होने वाली है। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देखी होगी हमारी फेसलिफ्ट 2024 की वीडियो, वो गाड़ियां जो आने वाली हैं। अब बात करी जाए तो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी, एंड मैंने आप लोगों को एक्सपेक्टेड प्राइस भी बता दिया कि क्या कुछ इसका एक्सपेक्टेड प्राइस हो। तो आज की वीडियो था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलेंगे हम लोग आपसे ऐसी और, धन्यवाद।